Hello friends, good morning. This is Sunil Chahal. And if you are watching this video, then you are on Learning Mathematics with Sunil Chahal. Thanks for that. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी नई वीडियोज़ आएँ उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे. शुरू करते हैं. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि CSIR NET और GATE में काफ़ी बार पूछा गया है. क्या होता है कि आपको एक पॉजिटिव इंटीजर दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है और पूछा जाता है कि मान लो कि n दिया हुआ है और पूछ लेता है कि इससे छोटे और 1 से बड़े जितने भी इस नंबर के कोप्राइम नंबर्स हैं उन सब का सम आपके पास क्या होगा. ठीक है, तो अगर आप सभी के सभी कोप्राइम नंबर्स उसके निकालें, उन सब का सम करें, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसके लिए एक फार्मूला है. वो फार्मूला कैसे आया है, कैसे डिराइव करेंगे, वो आज देखेंगे. यूलर्स फाइव फंक्शन की मदद से देखते हैं कि वो फार्मूला कैसे आता है. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन है आपके पास कि नंबर सम ऑफ ऑल द नंबर्स, कौन से नंबर्स विच आर लेस देन इक्वल टू एन एंड कोप्राइम टू एन इज सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर्स. लिख लो, पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो, चलो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन इक्वल टू एन एंड को प्राइम टू एन. एन कैसा है, एन भी एक पॉजिटिव इंटीजर है. ठीक है, तो क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन इक्वल टू एन एंड को प्राइम टू एन इज, क्या होगा वो सम. ये सम आपका होता है 1/2 एन इंटू फाइव एन, जहां पर आपका फाइव एन क्या है, फाइव एन इज यूलर्स फाई फंक्शन. ठीक है, फाई एन क्या है, यूलर्स फाई फंक्शन फॉर एन. ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, हम उस पर बात करने वाले हैं. ठीक है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन इक्वल टू एन एंड को प्राइम टू एन, वो कौन से नंबर होंगे. ये किसकी डेफिनेशन है, फाई एन की क्या डेफिनेशन थी, कि वो सारे नेचुरल नंबर्स सच दैट एक्स कैसा हो ग्रेटर देन इक्वल टू वन. तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से शुरू होंगे, वन से ही शुरू होंगे. ठीक है, और लेस देन इक्वल टू एन. ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन इक्वल टू एन, ये बात होगी. एंड आपके पास एक्स कैसा होना चाहिए, को प्राइम टू एन, यानी कि एक्स का और एन का अगर जी सी डी लूँ तो वो क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए. तो ये क्या है, फाई एन फंक्शन के अंदर क्या होता है, फाई एन फंक्शन क्या बताता है, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे डिनोट होते हैं, फाई एन से. और ये सेट क्या है आपका, यही सेट है ना, कि इन वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन इक्वल टू एन एंड को प्राइम टू एन. तो वो सेट क्या है, यही तो सेट है वो, जो क्या है, लेस देन इक्वल टू एन है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि वन से बड़े हैं. ठीक है, और वन भी हो सकता है. ठीक है, वन भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव भी है. ठीक है, तो वन से बड़े और एन से छोटे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट जिनका जी सी डी एन के साथ क्या आ रहा हो, वन आ रहा हो. तो ये सेट क्या है, यही तो सेट है. इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब का सम हमें लेना है. ठीक है, और वो सम हमें बताना है. और इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन बताता है, फाई एन, यूलर्स फाई फंक्शन. ठीक है, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट. ठीक है, और हमें क्या बताना है, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम क्या होगा. ठीक है, फाई एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट. ठीक है, तो मान लेते हैं कि एन से छोटे और एक से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, कि एक मान लिया ए वन है, एक मान लिया ए टू है. कहां तक जाएंगे ये, टोटल एन से छोटे और एक से बड़े कितने पॉजिटिव इंटीजर ऐसे होते हैं जो एन के साथ को प्राइम हो, कितने होते हैं, फाइव एन.
n और क्या बताता है, यही तो बताता है ना कि कितने नंबर्स n से छोटे हों, कैसे, जो n के साथ कोप्राइम हो, ठीक है। तो ये कितने आएंगे, कहाँ तक जाएगा ये, ए फाई एन, ठीक है। ये सारे एलिमेंट मान लेते हैं कि ये सारे वो एलिमेंट हैं जो n से छोटे हैं और n के साथ कोप्राइम है, ठीक है। अगर ए वन ए टू ए फाई एन ये सारे क्या हैं, n के साथ कोप्राइम है, तो आपके पास n माइनस ए वन ये भी क्या होगा, n के साथ कोप्राइम होगा ना। अगर ए वन का और n का जी सी डी वन आ रहा है तो n माइनस ए वन का जी सी डी भी क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, अगर ए वन का और n का जी सी डी वन है, इसका मतलब क्या होता है, हमने जब जी सी डी किया तो उसके अंदर क्या किया था कि अगर d इज जी सी डी ऑफ a एंड b, क्या है, d इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए बी, देन हम d को कैसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ पर x और y कैसे होंगे, इंटीजर होंगे, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि a1 और n कैसे हैं, इनका जी सी डी 1 है, यानी कि हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल्स टू ए वन टाइम x लिख लिया, ठीक है, और n टाइम प्लस में n टाइम मान लो y लिख लिया, ठीक है, इस तरह से लिख सकता हूँ अगर 1 जी सी डी है तो, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं क्या करूँ, n माइनस ए वन चाहिए ना, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का एन एक्स कर दूं और माइनस का एन एक्स कर दूं, क्या करूं, प्लस का एन एक्स और माइनस का एन एक्स, ये कर दिया, ये चीज है, इसमें एन एक्स जोड़ दिया, एन एक्स घटा दिया, क्या होगा, इन दोनों को एक साथ ले लो, क्या हो गया, एन इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, यहां से क्या आएगा, ए वन एक्स और माइनस का एन एक्स, इसको ए वन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस में माइनस का वो लिख लो पहले, माइनस का एन एक्स, ठीक है, ए वन एक्स को ऐसे लिख लिया, माइनस का ए वन अंदर माइनस का एक्स, ये लिख लिया, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा ना, ठीक है, तो ए वन को ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से क्या किया कि दोनों में एक्स कॉमन ले लूँ, क्या होगा हमारे पास, x क्या, माइनस एक्स कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। अगर माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या था, n इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये एज इट इज n इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, माइनस का x कॉमन लूँ दोनों में से तो क्या बचेगा, यहाँ पर n और माइनस में a1, वन, यानी कि माइनस का x कॉमन ले लिया, n माइनस a1, वन, ठीक है, ये बच गया ना, माइनस का एक्स इंटू एन माइनस ए वन, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस एक्स को मैं दूसरा इंटीजर का नाम दे देता हूँ, माइनस एक्स किसके इक्वल दे दिया मैंने, मान लो के वन नाम दे दिया इसको, माइनस एक्स को, और एक्स प्लस वाई को मैंने क्या नाम दे दिया, एक्स प्लस वाई है तो इंटीजर ही ना, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल दे दिया, मान लिया इसे के टू नाम दे दिया, तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया, वन को, वन इज इक्वल्स टू एन इंटू के टू, और माइनस एक्स को के वन दे दिया, इसका मतलब प्लस में एन माइनस ए वन इन टू के वन, ये हो गया। अब क्या हो गया, के टू भी इंटीजर है, के वन भी इंटीजर है, यानी कि मैंने वन को किस फॉर्म में लिख दिया, एन एक्स प्लस एन माइनस ए वन वाई, जहां पर एक्स क्या है, के वन और के टू, और वाई क्या है, के वन, ठीक है, तो इस फॉर्म में लिख दिया वन को, तो इसका मतलब क्या हो गया, n का और n माइनस ए वन का जी सी डी क्या बनेगा, वन बनेगा ना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका और इसका जी सी डी इसको डिवाइड करे, ठीक है। आपके पास एक रिजल्ट था कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, इंटीजर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इंटीजर सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब जी सी डी ऑफ ए बी, जी सी डी ऑफ ए बी किसको डिवाइड करे, सी को डिवाइड करे, यहाँ पर सी क्या है, वन, और ए बी क्या है, एन और एन माइनस ए वन, ठीक है, तो जी सी डी ऑफ एन एंड एन माइनस ए वन, वन को कब डिवाइड करेगा, वन तो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है ना, तो इसका मतलब इसका जी सी डी क्या हो गया, वन, और जी सी डी वन हो गया, तो कैसे हो गया ये, को प्राइम। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अगर ए वन ए टू
अप टू ए फाइव एन, ये सारे क्या हैं, कोप्राइम हैं एन के और एन से छोटे हैं, ठीक है। तो आपके पास एन माइनस ए वन भी एन के कोप्राइम होगा, एन माइनस ए टू भी एन के कोप्राइम होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि एन माइनस ए वन कोमा एन माइनस ए टू कोमा एन माइनस ए थ्री कोमा अप टू कहाँ तक, एन माइनस ए फाइव एन, ये सब भी क्या होंगे, कोप्राइम टू एन, ठीक है। और ये भी अगर ए वन एन से छोटा है तो एन माइनस ए वन भी एन से छोटा ही होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे नंबर्स भी एन से छोटे हैं और क्या हैं, कोप्राइम टू एन हैं, और टोटल नंबर कितने हैं, फाइव एन हैं। ये सारे नंबर भी क्या हैं, एन से छोटे हैं और कोप्राइम टू एन हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कितने हैं, फाइव एन, ठीक है। दो आपके पास सेट हैं, एक सेट में ये एलिमेंट हैं और एक सेट में ये एलिमेंट हैं, ठीक है। दोनों में कैसे है कि एन से छोटे और कोप्राइम टू एन हैं, ठीक है, और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। दो सेट इक्वल कब होंगे, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और एक के सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए और उसके दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में होने चाहिए, ठीक है। अब एन से छोटे और एन के कोप्राइम तो सिर्फ फाइव एन ही एलिमेंट है ना, फाइव फंक्शन यही तो बताता है ना, तो टोटल इसके अंदर एन से छोटे और एन के कोप्राइम कितने एलिमेंट हैं, फाइव एन। लेकिन हमने क्या दिखा दिया, ये भी एलिमेंट क्या है, एन के कोप्राइम है, एन से छोटे हैं और ये भी फाइव एन एलिमेंट है। इसका मतलब ये इन्हीं में से कोई ना कोई से एलिमेंट है, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझसे इनका सम पूछ रहा है, ठीक है, तो इनका सम क्या होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू कहाँ तक, ए फाइव एन, इन सब का सम ये तो पूछ रहा है ना कि पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन एन एंड कोप्राइम टू एन इज, इन सब का सम क्या होगा, ये लेकर आना है, ठीक है। इन सब का सम इन्हीं का सम है ना, ये कैसे हैं, लेस देन एन एंड कोप्राइम टू एन, ठीक है। इन सब का सम ले लिया, ये भी तो यही नंबर है ना, आगे पीछे हो सकते हैं, मान लो कि एन माइनस ए वन, ए वन ना होकर ए फाइव एन के इक्वल हो, ठीक है। एन माइनस ए टू मान लो ए वन के इक्वल हो, इनमें से किसी न किसी के इक्वल जरूर होंगे क्योंकि इसमें भी इतने एलिमेंट हैं और इसमें भी इतने एलिमेंट हैं और दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट, ठीक है। तो मतलब इनकी पोजीशन आगे पीछे हो सकती है, एलिमेंट्स ये वही हैं, ठीक है। तो इनका सम करूं या इनका सम करूं, बात तो एक ही है, इनका सम किसके इक्वल होगा, इनका सम करूं या इनका सम करूं, एन माइनस ए वन प्लस एन माइनस ए टू प्लस अप टू कहां तक जाएगा, एन माइनस ए फाइव एन, ऐसे लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, माइनस का ए वन है, माइनस का ए टू है, माइनस का ए फाइव एन है, सबको इस साइड ले आया, ठीक है। यहां पर ए वन है, ए वन इस साइड अगर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, टू ए वन प्लस टू ए टू प्लस अप टू कहां तक जाएगा, टू ए फाइव एन, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, टोटल कितने सेट्स थे, ये कितने एलिमेंट थे, यानी कि एन माइनस ए वन एक एलिमेंट, एन माइनस ए टू दो एलिमेंट, ठीक है। टोटल कहां तक था, एन माइनस ए फाइव एन तक, इसका मतलब टोटल एलिमेंट कितने थे, फाइव एन। तो ये किसके इक्वल हो गया, एन इंटू फाइव एन, एन कितनी टाइम आ रहा है, फाइव एन टाइम आ रहा है ना, तो इसका मतलब इस साइड का सम क्या बच गया, एन इंटू फाइव एन, कब, जब ए वन ए टू ए फाइव एन को इस साइड ले आए उसके बाद, ये सम बच गया इतना, ठीक है। और ये क्या, सब में दो है, दो कॉमन ले लूं, यहां से क्या आ गया, ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू कहां तक, ए फाइव एन तक, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, एन इंटू फाइव एन के, यहाँ से राइट हैंड साइड तो यही है। अब टू को अगर उस साइड लेकर जाऊं तो क्या बचेगा हमारे पास, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू ए फाइव एन, ये किसके इक्वल होगा, एन इंटू फाइव एन डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, टू। तो ये क्या शो कर रहा है आपको, यही तो था कि 1 बाई टू एन इंटू फाइव एन। तो हमसे अगर पूछे कि n से छोटे और n के कोप्राइम जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम क्या होगा, तो वो होगा आपके पास 1 बाई टू एन इंटू फाइव एन, ठीक है, ये होगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।